हाय फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम पैडल ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी है, तो अस्तर को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है 4 लेयर्स में। और उसके किनारे को निकालते हुए स्ट्रेट लाइन लगानी है। इसमें जो हमारे ब्लाउज़ की मेजरमेंट है, लेंथ हमारी 15 है, अपर चेस्ट 35, चेस्ट हमारी 36 है, वेस्ट हमारी 30 है। जो शोल्डर है वो हमारा 15 इंचेस है, तो हमारा हाई नेक ब्लाउज है, तो उसके लिए हमें जो शोल्डर है वो पूरा लेना होता है। अभी हम जो ब्लाउज की लेंथ है वो लेंगे। अभी हमें शोल्डर के लिए एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। ये हमने अपना नेक लेना है, नेक हमारा कम है, इसमें हाई नेक ब्लाउज है और शोल्डर हमारे में कंप्लीट लेना है। जैसे कि हम अपनी कॉलर नेक बनाते हैं उसमें शोल्डर कंप्लीट शोल्डर लेते हैं, वैसे ही हमने हाई नेक ब्लाउज में भी कंप्लीट शोल्डर लेना है। ये हमने चेस्ट का निशान लगाया है, 2 इंच की लूजिंग छोड़ी है। अब हम अपनी वेस्ट के लिए मार्किंग कर रहे हैं। अभी आर्म होल के लिए लाइन लगाई है हमने, 1/2 इंचेस हमें शोल्डर डाउन करना है। अब आर्म होल की गुलाई शेप देते हुए हमें उसको शेप दे देनी है। ये हमारा प्रिंसेस लाइन ब्लाउज है, तो अब हमें प्रिंसेस लाइन की शेप देनी है इसमें। इस तरह से हम प्रिंसेस लाइन के लिए शेप देते हुए एक छोटी सी प्लेट हमारी आर्म होल में जाती है। अब ये हमारा नीचे की तरफ जो हमारा प्रिंसेस लाइन के लिए हमें शेप देनी है, डेढ़ इंच के करीब हमने जिस तरह से हम डॉट्स लगाते हैं उस तरह से इसका निशान लगा लेना है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है आर्म होल से। अभी हम ये रफ़ कटिंग कर रहे हैं, अभी हमने इसमें आर्म होल सेट नहीं किया है। दो इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हमें हल्का सा मार्जिन सिलाई का लेते हुए इस शेप के अकॉर्डिंगली इसको कट कर लेना है। ये हमने कट कर लिया है इसको। अब हमें इसकी जो शेप है वो अच्छे से बनानी है और अब हमें इसका आर्म होल अच्छे से सेट करना है। आर्म होल सेट करने के लिए हमें पहले अपनी जो ये शेप हमने दी है अच्छे से इसको मैच कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर निकल रहा है वहाँ तक निशान लगा लेना है। देखिए ये हमारी शेप आ गई है प्रिंसेस लाइन के लिए। और ये पैडेड ब्लाउज़ है तो जो हमारा अस्तर है वो डबल कटिंग होगी, यानी फ्रंट में हमारा जो अस्तर है वो 2 लगते हैं।
एक जिस पे हमें पैड अटैच करना होता है और एक जो कि हम फैब्रिक के साथ अटैच करते हैं। तो ये दो अस्तर हैं, यानी दो पीसेस के लिए जो हम कटिंग करते हैं उस टाइप से। अभी हमने यहाँ पे आर्मोल सेट करना है। हमारा जो आर्मोल है वो 17.5 इंचेस है। ये हमने अपने आर्मोल की मेजरमेंट चेक करनी है यहाँ पे कि हमारा जो आर्मोल है वो परफेक्टली आ रहा है या नहीं। पैडेड ब्लाउज में हम सेम कटिंग करते हैं जैसे कि हम नॉन पैडेड प्रिंसेस लाइन ब्लाउज में करते हैं, बट इसमें क्या होता है कि हमें दो बार कटिंग करनी होती है, अस्तर की सेम कटिंग होती है, डबल अस्तर हमारा लगता है तो हमारी डबल कटिंग होती है। और हल्की सी लूजिंग हमारी एक्स्ट्रा रहती है क्योंकि पैड अटैच होता है तो थोड़ा सा उसका मार्जिन एक्स्ट्रा रहता है। अब ये हमने आर्मोल की शेप दे दी है, ये हमारे प्रिंसेस लाइन की शेप आ गई है परफेक्टली। अब देखिए मैच करेंगे हम इसको, जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम निकाल देंगे। अब जैसे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है इसको भी हम हल्की सी शेप देकर निकाल देंगे। ये हमारा आर्मोल आ गया। ये हमारे फ्रंट पोर्शन की कटिंग हो गई है, अब हम बैक पोर्शन के लिए कटिंग करेंगे। बैक पोर्शन के लिए हमने अस्तर लिया है, उसको अच्छे से प्रेस करके हमने रेडी कर लिया है और उसको डबल में फोल्ड कर दिया है। पहले हमें अस्तर में से कान निकाल लेनी चाहिए ताकि जो हमारा पीस है वो घूमे ना। अब हम जो हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हुई थी उसको रखेंगे और हमारे बैक पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, हम अपने बैक पार्ट के लिए निशान लगा रहे हैं।
ये हम चेस्ट के लिए निशान लगाते हुए। ये हमने कमर का निशान लगा लिया है। ये हमारे बैक पार्ट की आर्म होल की शेप देते हुए हमें इसको कट कर लेना है। हम डॉट्स के लिए निशान लगाएंगे इसमें, बैक पार्ट्स में जो हमारी डॉट डलती हैं उसके निशान लगाते हुए। ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है। फ्रंट पार्ट के हमारे डबल कटिंग है क्योंकि पैडेड ब्लाउज है। जो हमारा अस्तर कटिंग हुई है वो डबल हुई है। अब हमें स्लीव्स के लिए कटिंग करनी है। ये हमने आर्म होल का निशान लगाते हुए आर्म होल की शेप देनी है। और जो हमारी लेंथ है वो 10.5 इंचेस है। 10 इंचेस है तो 0.5 इंचेस हमारा मार्जिन रहेगा। और 1.5 इंची नीचे मोरी में मार्जिन एक्स्ट्रा रहेगा हमारा। अभी आर्म होल की शेप देते हुए ये हमारे आर्म होल की शेप आ गई है। टेन एंड हाफ हमारी मोरी है बाजू की। गरारी हम यूज़ करते हैं। गरारी का यूज़ क्या होता है, जो हम अस्तर कटिंग करते हैं बैक साइड में नीचे की तरफ जो दूसरा अस्तर होता है दूसरी बाजू के लिए। अब एक बाजू पे तो हम निशान लगा सकते हैं, दूसरी पे निशान दोबारा ना लगाने पड़े इसीलिए हम गरारी का यूज़ करते हैं उसको ट्रेस करने के लिए। तो इसकी छाप दूसरे अस्तर पर आ जाती है।
तो इसीलिए गरारी का यूज़ किया जाता है। अब ये एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। ये हमें अपने फ्रंट पार्ट के आर्महोल की शेप देते हुए उसको निकाल लेना है। ये हमारा पीस है जिसका हमें पैटर्न ब्लाउज बनाना है। अब इस पीस पे हमारा अस्तर की हमारी कटिंग हो चुकी है, तो अपने अस्तर को हम सेट करेंगे। सेम अस्तर को रखते हुए अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब आप देखेंगे कि फ्रंट पार्ट में हमारे डबल अस्तर हैं और थर्ड लेयर हमारी हो जाएगी पीस की। तो पैटर्न ब्लाउज़ के लिए हमारे फ्रंट में थ्री पार्ट होते हैं, एक आपका पीस होता है और दो लाइनिंग अस्तर की होती है, जिसमें से एक लाइनिंग आपकी पीस पे अटैच होती है और एक जिस पे कि हम पैड को अटैच करते हैं। जो हम पैड अटैच करते हैं उसको हमने अपनी डॉट पॉइंट के साथ मेजर कर लेना है और उसकी शेप देते हुए वहाँ पे लगा देना है। अब हम पीस पे अपने सभी जो भी हमने कटिंग करी है अलग अलग पार्ट्स की, उनको सेट करके देखेंगे किस टाइप से हमारा पीस निकल सकता है। कई बार ब्लाउज़ में क्या होता है, फैब्रिक कम होता है तो हम इजीली उसको सेट नहीं कर पाते हैं, हमें उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो पहले हमें अपने पीस को पूरा उस पर बिछा कर देख लेना चाहिए कि हमारा प्रॉपर पीस उस पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद ही हमें उसकी कटिंग करनी चाहिए। अभी हमने फ्रंट पार्ट बिछा लिया है और दूसरी तरफ हमारा बैक पार्ट है। अब ये हमारे स्लीव्स हैं। अब हमें अपनी स्लीव्स चेक करनी है किस तरह से हमें हमारी स्लीव्स निकालनी है। ये हमारी डबल स्लीव्स आ जाएंगी। तो अब हमें एक बार अपने पीस को अच्छे से सेट कर लेना है ताकि जो भी झोल है वो उसमें से निकल जाए और हमारी जो पीस की कटिंग है वो बिल्कुल क्लीन हो। मैंने इस वीडियो में कुछ भी एडिटिंग नहीं की है, जिस तरह से हम अपने बुटीक में पीस बनाते हैं सेम वही वीडियो मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिखाई है। देखिए हमने फ्रंट पार्ट को बिछा लिया है इस पर, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। सेम इसी तरह से हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी पैडेड ब्लाउज़ की कटिंग थी।
होप सो आप सबको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू गाइस।
देखिए ये हमारे ब्लाउज़ की फाइनल लुक है। हमारा ब्लाउज़ बनके रेडी हो चुका है। बैक में हमने ड्रॉप शेप डाली है, हाई नेक ब्लाउज़ है तो हमारा शोल्डर पूरा रहेगा इसमें। ये हमारी फाइनल लुक है आपकी।